अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, तो उसका भी काफ़ी मेहनत के बाद रेसिपीज़ भी चल रही थी, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों से मशवरा करूँ कि आपने क्या करना है। तो आज मैंने ये जो है उठाया है कि नहीं बनाना था है या क्या है कि नहीं बनाना है, तो आप लोग भी मशवरा देना कि ये बनाना चाहिए, और जहाँ पे गलती हो आप लोग मशवरा दें, बताएं कि क्या करना है, कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे क्या करना है, ज़रूर मशवरा दीजिएगा। आपका मशवरा जो है मेरे लिए बहुत अहमियत का हमें लगा। तो यहाँ पे मैं जा रही थी मार्केट गई हूँ, वहाँ जाके जो है मुझे कुछ सामान लेना था थोड़ा सा। तो ये मेरी छोटी बेटी थी, तो अभी जैसे ही पहुँचे तो आगे टॉय नज़र आ गए इसको, बस फिर शुरू हो गए, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। मैंने कहा ऐसा करते हैं पूरी शॉप ले चलते हैं, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी आपने क्या लेना है, कभी कुछ कह रही थी कभी कुछ। तो शॉप वाले भाई भी बड़े इन्जॉय कर रहे थे, इससे बातें कर रहे थे, ये अपनी ज़बान में बोले जा रही थी। मैंने कहा ऐसा करते हैं पूरा ठेला ले कर चलते हैं या शॉप ले कर चलते हैं, तो घर रख लेंगे। तो ये बस मज़े से बातें कर रही थी, इसकी बातें मैं सुन रही थी। तो यहाँ पे आ गए चप्पलों की शॉप पे, यहाँ पे मुझे लेने थे कार सैंडल बेटियों ने, तो वहाँ के उन्होंने लिए कुछ, बेटी ने क्लास फेलो के लिए भी लेनी थी गिफ्ट, तो अपने लिए भी लेने, दोनों बेटियों ने लिए, मैंने लिए। एयर रिंग्स मिले मुझे ज्वेलरी की शॉप पे, ये बहुत पसंद है, डिफरेंट लग रहे थे, मैंने बस ऐसे प्राइस पूछ लिए थे, मुझे अच्छे लगे। तो इसी शॉप पे आते हैं, ये बहुत अच्छी शॉप है। तो यहाँ से भी जो है थोड़े से मैंने ज्वेलरी लिए, उसके बाद हम निकले। ये डिमी पे जो कपड़े लगे हुए थे उस पर उछल उछल के बोल रही थी बेटी छोटी ना, जी ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। मैंने कहा डिमी चाहिए या आपको कपड़ा चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, छोटी सी बेटी है तो उछल उछल के वो कर रही थी। तो सब शॉप वाले जितने भी थे उसके से बातें कर रहे थे, वो अपनी ज़बान में बातें किए जा रही थी, सबको बहुत प्यारे लग रही थी ना, सब उससे प्यार कर रहे थे। तो बाज़ होता है कि मना करते हैं कि बच्चों को नहीं बातें करने देते, ये अच्छी बात है, वो भी सही है उनके हिसाब से, लेकिन वो शॉप वाले भाई जो है इनसे बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या लेना है क्या चाहिए। तो उसके बाद हम आ गए यहाँ पे खाना लेना था, काफ़ी देर हो गई थी बाहर निकले हुए थे, तो यहाँ पे आए हमने होटल पे एक, तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ था कि एंट्री नहीं है तो खाना पिक कर लें, ऑर्डर करें और खाना पिक करके जाएं। तो इस तरह के हम लोगों ने, बच्चों ने बर्गर ले लिए थे, तो मैंने शाम की चाय नहीं पी, तो मैंने चाय के लिए कहा, तो चाय मिली मुझे, बहुत ज़बरदस्त चाय मिली मुझे। तो मैं हर एक के हाथ की चाय नहीं पीती, क्योंकि हमारे ख़ानदान में भी यही है कि ना बेचारे कोशिश करते रहते हैं कि अच्छी चाय बन जाए, तो कि मेरा है कि ये हर एक की चाय पसंद नहीं करते भाइयों को, खासकर भाइयों के घर जाते हैं। तो फिर बस चाय मुझे मज़े की मिली, चाय इन्जॉय की, तो बाकी खाना घर लेके आए थे, घर खा लिया था। यहाँ पे जो है मौसम बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हो रहा था, मौसम जो है बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, तो हल्की बारिश भी हो रही थी दो तीन दिन से, हवाएं भी खूब चल रही थी, कराची का वेदर बहुत बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। तो ये बस यही हुआ, यहाँ रुके रहे, तो बाहर होटल के बाहर खड़े रहे, तो काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे ना, यहाँ बैठ के काफ़ी वेट कर रहे थे, तो हम भी वेट कर रहे थे, गाड़ी से निकल आए तो बाहर रुके रहे। बहुत मज़े की हवा भी चल रही थी, बारिश हल्की भी चल रही थी, तो बस यही हुआ। उसके बाद फिर अच्छा खासा टाइम ले लिया। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि जो भी गलती है, जो भी मिस्टेक है, आपने मशवरा देना है, आपका मशवरा मुझे फैमिली वाले लगते हैं, मुझे बहुत प्यार है आप लोगों से, ताकि आप बताएं कि मैं क्या करूँ ना, कहाँ पे गलती है, क्योंकि फ़र्स्ट मेरा ब्लॉग है, प्रॉपर तरीके से जो है मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छी चीज़ें लाने के लिए और अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए। और साथ में रेसिपीज़ ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि साथ में रेसिपीज़ भी डालें या अलग से वो करें, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि साथ में रेसिपीज़ भी डाल दी जाएँ, तो यही होगा साथ में, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी रूटीन होगी
वो भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर मशवरा देना, बताना है मुझे। और बीच में जो है मेरे मतलब नेट का काफ़ी मसला चल रहा था, लाइट का काफ़ी मसला चल रहा था, जिसकी वजह से मैं किसी के घर नहीं आ जा रही थी, तो ये हो रहा था। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी चला आने की। तो बस यहाँ रुके रहे हम लोग, रुकने के बाद फिर हमारा खाना या खाना लेके हम निकल पड़े। तो यहाँ काफ़ी देर लगी, तो बस यही हुआ। तो हमने भी खूब इंजॉय किया, हवा चल रही थी मज़े की, हल्की बारिश हो रही थी, तो बस अच्छा लगा। यहाँ पे ये आ गया हमारा खाना, यहाँ पे मेरी चाय थी, चाय बर्गर थी, चिकन फ्रेंच फ्राई थी, घर आ गए थे, घर में फिर ये थोड़ी सी शॉपिंग, यहाँ पे बेटियों ने चप्पलें ले ली थी और साथ में मेरी भी ली है उन्होंने, मैं तो वापस आ गई थी, गाड़ी में बैठ गई थी, उन्होंने खुद शॉपिंग की। ये छोटी बेटी के लिए खुद पसंद किए, लेना नहीं चाह रही थी लेकिन उन्होंने कहा, बार बार कभी टॉय पे हाथ रख रही थी। तो यहाँ पे बेटी ने लिए गिफ्ट क्लास फेलो के लिए, दोनों बहनें दोनों के सेम लिए, तो अपने लिए भी लिए, मेरे लिए भी लिए। यहाँ पे छोटी बेटी का नेट ड्रेस ले लिया था, ये एक अनस्टिच जो है सूट लिया है, एयर रिंग्स लिए थे मुझे अच्छे लगे थे मैच करके, ये भी ले लिए थे एक सूट। ये है इसके साथ बहुत खूबसूरत सा ब्रेसलेट लिया था, और ये जो है टॉप्स थे बगैर छीदे कानों में ये डाले जा सकते थे, तो ये वाले टॉप्स हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाऊं किस तरह ये इस तरह के लगते हैं, कानों में इस तरह डालते हैं, ये बहुत अच्छे बहुत ही डिफरेंट थे, तो ये ले लिए थे। एक ये 3 सूट लिए थे मैंने, यहाँ पे अनस्टिच है, स्टिच करवा लूँगी, कॉटन के वॉशन वेयर कॉटन थी। यहाँ पे क्लच लिया है, ये क्लच ले लिए थे, जैसे छोटे मोटे काम के लिए जाती हूँ तो हाथ में चाबियाँ पैसे हाथ में होते हैं, तो ये ले लिया है। और ये सूट जो है मैंने घर पे पहनने के लिए लिए थे, और ये छोटी बेटी का ये एक और ड्रेस ले लिया था, जैसे घर में पहनने के लिए ना, आम सी रूटीन में पहनने के लिए ये ले लिए थे।